यस दोस्त, माय नेम इज अंकित सिंह एंड वेलकम इन माय चैनल स्टडी क्लासेस। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव टाइप। इट मीन्स व्हाट इज द एडजेक्टिव एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ एडजेक्टिव। आज का यही मेरा कंसेप्ट क्लियर करने का है। तो यदि दोस्तों आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हाँ, तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। देखिए, टॉपिक है एडजेक्टिव। सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि एडजेक्टिव होते क्या है। व्हाट इज द एडजेक्टिव, हाउ टू डिस्क्राइब द एडजेक्टिव, हाउ टू डिफाइन द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है क्या। तो दोस्तों, एडजेक्टिव इट इज अ वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? इट इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन आर प्रोनाउन, विच डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन आर प्रोनाउन। अर्थात एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को वर्णन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में वर्णन करते हैं। सेकंड थिंग, एडजेक्टिव ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। एडजेक्टिव को हमेशा किसी नाउन के पहले ही रखा जाता है। एडजेक्टिव को हमेशा किसी नाउन के पहले ही रखा जाता है। इट मीन्स इट ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। ओके, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। वैसे मैं एडजेक्टिव को डिस्क्राइब बहुत अच्छे तरीके से मैं पिछले वीडियो में मैंने किया है और आप वहां पर जाकर के और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि व्हाट इज द एडजेक्टिव। लेकिन आज का मेरा टॉपिक है एडजेक्टिव तो बता दें लेकिन टाइप बताने का है। मेन थिंग, टाइप क्या होता है एडजेक्टिव के। सो टाइप देखिए क्या है, ये कुछ फर्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव देखिए बना क्या, क्वालिटी प्लस एटिव। क्वालिटेटिव बोल सकते हैं या इसको डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तीनों में से कोई भी। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तीनों में से कोई भी ना। अब देखिए, बात क्या है कि क्वालिटेटिव अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब इट इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ द समथिंग, विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ समथिंग। अर्थात किसी भी चीज की क्वालिटी को बताता है तो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। ओके, जैसे गुड, बैड, हैप्पी, हॉनेस्टी, ब्यूटीफुल, हम बोलेंगे यू आर ए गुड बॉय, सी इज अ बैड गर्ल, आई एम सो हैप्पी बॉय, माई ब्रदर इज अनेस्ट मैन। तो इस प्रकार से जितना आ रहा है ये टोटल का टोटल हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बता रहे हैं। यहाँ पर जितने देखे गुड, बैड, हैप्पी, हमेशा किसी ना किसी देखिए नाउन के पहले ही बैठे हुए हैं, नाउन के बाद नहीं बैठे, हमेशा ही नाउन के पहले ही रखे जाते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को क्वालिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें से पूछो हाउ। हाउ जैसे उस क्वेश्चन में पूछेंगे कैसा है तो अच्छा, बुरा, खुश, ईमानदार, ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाता है। दैट इज द, उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड हम लोग की बात करते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोल सकते हैं, या हम इसी को दूसरे भी नाम से जानते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यार न्यूमरल एडजेक्टिव। अब देखिए कि क्वांटिटी अर्थात ये बताता है क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी कितना है। इट मीन्स क्वांटिटी एडजेक्टिव को डिफाइन कर सकते हैं। सो इट कैन डिफाइन, सो इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। ये किसी भी चीज का क्वांटिटी के बारे में वर्णन करता है। इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ये किसी भी चीज का क्वांटिटी को वर्णन करता है। इसको दो चीज से क्वेश्चन करते हैं, यदि उस सेंटेंस में हाउ मच या हाउ मनी क्वेश्चन कर देते तो हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव निकल आता है। जैसे बोल सकते हैं आई नीड 40 kg राइस, मेरे को 40 kg चावल चाहिए। तुरंत उस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछेंगे कितना चावल चाहिए, हाउ मच, हाउ मच जैसे क्वेश्चन करेंगे तो हमारा 40 kg निकल कर आता है। दैट इज द न्यूमरल एडजेक्टिव। ओके, दैट इज द न्यूमरल, हाउ मच एंड हाउ मनी बोथ ऑलवेज यूज फॉर द क्वांटिटी। लेकिन एक चीज इसमें आ जाता है, एक ऑर्डिनल नंबर और एक कार्डिनल नंबर की बात आती है। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारा ऑर्डिनल नंबर आते हैं। कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
ओके इस तरीके से था, इस तरीके से भी हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। जैसे बोलते हैं आई वांट अ फोर्थ बाइक, मेरे को चौथी वाली बाइक चाहिए, चौथी नंबर वाली। यू आर स्टैंडिंग इन द फोर्थ रो, तुम चौथे रो में खड़े हो। तो अर्थात यहाँ पर फोर्थ जो आ रहा है, फोर्थ रो, ये हमारा क्या है, फोर्थ, अर्थात दैट इज द आइडियल नंबर, बट इट इज ऑल्सो अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ओके सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है टू आस्क अ क्वेश्चन, अर्थात इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। ओके यहाँ पर भी जितने एडजेक्टिव हम देख रहे हैं ना, सब किसी ना किसी नाउन के पहले ही रखे जा रहे हैं, कोई नाउन के बाद नहीं रखा जा रहा। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव टू आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। या यहाँ पर जैसे किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड एंट्री कर जाते हैं, वो हमारा क्या कर जाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। लेकिन ध्यान देना कि एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन के पहले ही आता है। तो जितने हम लोगों को WH वर्ड के फैमिली हैं, उसको नाउन के पहले कौन कौन से WH वर्ड फैमिली के आते हैं, तो देख लेते हैं। व्हाट आ सकता है, हुज आ सकता है, विच आ सकता है, हाउ मच आ सकता है, हाउ मनी आ सकता है, इतने सारे जो WH वर्ड फैमिली है, ये किसी ना किसी नाउन के पहले ही आते हैं। इनके साथ नाउन रहना जरूरी है, तभी क्या होता है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। जैसे बोलते हैं व्हाट मीन्स, तो होता है क्या। ओके हम बोलते हैं कि तुमको कौन सा प्रकार का पेन चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ पेन डू यू वांट, व्हाट टाइप ऑफ पेन, किस प्रकार का पेन तुमको चाहिए। फिर से व्हिच का यूज, व्हिच कलर डू यू वांट, तुमको कौन सा कलर चाहिए। व्हिच कलर गारमेंट्स डू यू वांट टू परचेज, कौन सा कलर का कपड़ा तुम खरीदना चाहते हो। ओके हम बोल सकते हैं हुज पेन इज इट, यह किसका पेन है, हुज पेन इज इट, यह किसका पेन है। व्हाट टाइम इज गोइंग ऑन, क्या समय हो रहा है, व्हाट टाइम इज गोइंग ऑन, क्या समय हो रहा है। जितने भी हमने एग्जाम्पल बोले सब में देखिए व्हाट, हुज, हाउ मच, सब ना किसी नाउन के पहले ही यूज हुए हैं, इसलिए यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। जिन इंट्रोगेटिव वर्ड अर्थात जो WH फैमिली हैं वो अकेले आ जाते हैं, तो उनके बाद यदि कुछ नाउन नहीं यूज होता है तो सिंपली प्रोनाउन बस रहते हैं, ना कि एडजेक्टिव नहीं कहे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेट मीन्स होता है किसी चीज को दिखाना, किसी चीज को प्रदर्शित करना, उंगली दिखाना, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अर्थात उंगली दिखाने का मतलब क्या हम बोल सकते हैं, इंडिकेट करना। ओके तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसको बोल सकते हैं, इट इज ए वर्ड विच इज यूज टू इंडिकेट समथिंग, विच इज यूज टू इंडिकेट एनी नाउन बोल सकते हैं या समथिंग बोल सकते हैं। ओके तो इसमें कौन कौन से आते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ओनली फोर ही आते हैं, दिस दैट दीज एंड दोज, जिसमें से दिस और दैट तो हमारे सिंगुलर के काम करते हैं और दीज दोज हमारे क्या करते हैं, प्यूरल का काम करते हैं। दिस का प्यूरल दीज होता है, दैट का प्यूरल दोज होता है, लेकिन इसको हम लोग एडजेक्टिव के जैसे जब यूज करेंगे तो इट मीन दैट इज सेड टू द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा हमेशा इसको एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले ही आना चाहिए, अकेले नहीं आना चाहिए। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई वांट दिस बुक, मेरे को यह किताब चाहिए, या मैं इस किताब को पसंद करता हूँ, तो आई वांट दिस बुक, तो दिस बुक यहाँ पर आ रहा, तो दिस बुक के पहले आ रहा है, तो इसलिए दिस इज द इट मीन्स डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके दीज बॉयज आर सो नाटी, ये लड़के बहुत शरारती है, दीज बॉयज आर सो नाटी, दीज यहाँ पर भी किसी नाउन से पहले आया। ओके दैट गर्ल इज माई गर्लफ्रेंड, दैट गर्ल इज माई गर्लफ्रेंड, यहाँ पर दैट जो क्या आ रहा है गर्ल के पहले है, इसलिए इट इज आल्सो अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, पोसेसिव मीन्स होता है ओनरशिप, पोसेशन अर्थात अधिकार वाला, जहां पर बात आती है वहां पर पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करती है। अर्थात वे एडजेक्टिव इट मीन्स दोज एडजेक्टिव, दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स द पोसेशन, विच डिस्क्राइब्स द पोसेशन और ओनरशिप बोल सकते हैं, वही हमारा क्या होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। जहाँ पर जिस एडजेक्टिव के तरी पोसेशन आ जाता है दैट इज सेड टू द पोसेसिव एडजेक्टिव या ओनरशिप। इसमें माइक होता है माइन, आवर एंड योर, हिज हर देयर,
तो आई के साथ माई, आवर, जो है वी के साथ, यू के साथ योर, एंड ही के साथ हिज, सी के साथ हर, एंड दे के साथ देयर, इतने पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। ओके, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव अर्थात ये भी किसी ना किसी नाउन के पहले ही आएंगे। जब किसी नाउन के पहले आएंगे तभी तो पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके, जैसे बोल सकते हैं माय मम्मी इज गोइंग टू मार्केट, माय मम्मी, मम्मी इज ए नाउन, तो मम्मी के पहले आ गया माय। ओके, वी आर डूइंग आवर वर्क, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर वर्क। यहाँ पर भी देखिए योर फादर इज गोइंग, इट मीन्स योर फादर, इट मीन्स योर। देखिए जितने ये सब हैं किसी न किसी नाउन के पहले जब आएंगे तो हमारा क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। ओके, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हमारा हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले, अर्थात कोई भी एडजेक्टिव, जितने भी हमने एडजेक्टिव के टाइप्स देखे हैं सब किसी न किसी नाउन के पहले ही आ रहे हैं। और जब किसी न किसी नाउन के पहले ही आते हैं तभी तो एडजेक्टिव का काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव का चार्ट पेपर और जो कुछ भी पूरा का लिस्ट आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कम से कम इसे दो बार तीन बार देखिए, तब यदि नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए कहाँ पर किस प्रकार का दिक्कत है दोस्तों, आप बताइए और मेरे को इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए।